दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इवेलुएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 का होल क्यूब। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को आई टू द पावर 18 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन आई का पावर 25 है, तो 1 का पावर 25 तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में इसको ले सकते हैं आई टू द पावर 25, ये हो जाएगा होल क्यूब। अब दोस्तों देखिए, आयोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आई टू द पावर 18 है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, आई का पावर 4, 4 का पावर हो गया 4, तो 4 4 16 इंटू ये हो जाएगा आई का पावर 2। कैसे दोस्तों, देखिए आई का पावर 16 इंटू आई का पावर 2, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आई का पावर हो जाएगा 4 4 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, आई की पावर 18 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस ये 1 अपॉन में कि आई का पावर 25 है, तो आई का पावर 4, 4 से इसलिए कंपेयर किया था क्योंकि आई टू द पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1, इसीलिए 4 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 18 और 4 से डिवाइड किए तो 4 4 या 16, रिमाइंडर बता बचा कितना 2, आई का पावर 2 लिख दी। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए आई टू द पावर 25 को आई का पावर 4 4 6 या 24 इंटू ये आई का पावर हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा क्यूब। ओके, आगे देखिए आई का पावर 4 क्या होता है, 1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। फिर प्लस ये 1 अपॉन में आई का पावर 4, 1 का पावर 6 तो हो जाएगा 1 इंटू आई हो जाएगा, ओके इसका क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 1 अपॉन में आई। दोस्तों देखिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन रहेगा तब डिनोमिनेटर में आई आयोटा नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले एलसीएम लेके। देखिए क्या हो जाएगा, तो आई इसका हो गया एलसीएम, या इसको देखिए ऐसे भी हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे देखिए एलसीएम से पहले भी हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -1 प्लस देखिए 1 अपॉन आई है ना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दिए, ये हो गया क्यू। ओके, यहाँ पे देखिए ये आइटा था ना, इसको रेशनलाइज कर दिए ताकि ये आइटा हट जाए यहाँ से, तो जाएगा -1 प्लस ये आई अपॉन में आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आई स्क्वायर इसका क्यूब। आगे देखिए, तो जाएगा -1 प्लस आई अपॉन में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को -1, देखिए प्लस से माइनस को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आई का होल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये पूरा का क्यूब। आगे देखिए, ये माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करें, 3 इंटू 1 इंटू आई हो जाएगा 3i इंटू ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस आई। ओके, आगे देखिए, -1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस आई का क्यूब हो गया आई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 3i प्लस 3i स्क्वायर, यहां से क्या किया 3i से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस ये 1, देखिए आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई, उसको प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस आई ही रह जाएगा प्लस 3i। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, पीछे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3। आगे देखिए, ये हो जाएगा माइनस, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -2, और 3i में से आई जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2i। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे क्या करें, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2।
तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ वन प्लस आई अपॉन में वन माइनस आई माइनस वन माइनस आई अपॉन में वन प्लस आई। दोस्तों इसका हम लोगों को मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसको जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं, यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में तो दिया नहीं गया, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रैक्शन में और यहाँ भी क्या फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। ए प्लस आई बी का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये वन माइनस आई है इंटू वन प्लस आई, ये जगह वन माइनस आई और इंटू वन प्लस आई। देखिए वन माइनस आई से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा वन प्लस आई, वन प्लस आई को वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह वन प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखिए वन प्लस आई से वन प्लस आई कैंसिल होगा बचेगा वन माइनस आई को वन माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह वन माइनस आई का होल स्क्वायर। ओके अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू आई, तो टू आई हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू वन इंटू आई तो हो जाएगा टू आई। ओके अपॉन में ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर। आगे देखिए देखिए वन प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस टू आई, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वन, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सॉरी माइनस आई स्क्वायर, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू आई अपॉन में ये वन माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में तो ये रिजल्ट आया था, इससे आगे देखिए ये हो जाएगा वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई या माइनस वन, माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा आई स्क्वायर प्लस टू आई अपॉन में ये वन माइनस आई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं क्या, देखिए माइनस वन से ये प्लस वन, आई स्क्वायर से ये माइनस आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचेगा टू आई प्लस टू आई हो जाएगा फोर आई अपॉन में ये वन। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे प्लस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा फोर आई अपॉन में हो जाएगा टू, यहाँ कैंसिल कीजिए ये हो जाएगा हम लोगों को टू आई। ओके तो सर देखिए यहाँ पे हम लोगों को तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टू आई। ओके ये कहाँ जीरो कहाँ से है, देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट ही है ना, तो यहाँ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट कुछ नहीं था तो जीरो लेट कर लिए प्लस ये लिखेंगे यहाँ पर लेट जेड इक्वल टू जीरो प्लस टू आई। ओके अब दोस्तों देखिए इसका हम लोग निकालना मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस तो मॉडुलस यानी कि मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो उसे देखिए यहाँ पे रियल पार्ट यहाँ पे क्या है जीरो प्लस इमेजिनरी पार्ट का मतलब जिसमें आई लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे ये टू, तो हो जाएगा प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये रूट अंडर जीरो प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो मोड जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर फोर यानी कि टू। इसका दोस्तों मॉडुलस कितना हो गया टू। दोस्तों मॉडुलस निकालने के लिए कभी याद रखिएगा कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड से इंडिकेट करते हैं, तो मोड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट में जो रहेगा, जैसे यहाँ पे आई का कॉप्शन क्या था टू था प्लस टू, तो प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिए, यदि माइनस टू रहता माइनस टू का स्क्वायर कर इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनली दोस्तों उन लोगों को मॉडुलस निकल जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि फाइंड द कंजुगेट्स ऑफ
तो दोस्तों देखिए, जो जिसका हम लोग कंजुगेट्स निकालना है तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया नहीं गया, यानी कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको दिया गया नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे, और उसका जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, उसका हम लोग क्या करेंगे, आयोटा का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट्स हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए, थ्री से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा सिक्स, प्लस थ्री को थ्री आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा नाइन आई। अब माइनस टू आई से कीजिए, तो माइनस टू आई को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर आई, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस टू आई इंटू थ्री आई, तो हो जाएगा सिक्स आई स्क्वायर। आगे देखिए, वन से टू को मल्टीप्लाई करें तो टू माइनस वन को आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई, प्लस टू आई इंटू टू हो जाएगा फोर आई, और ये हो जाएगा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा टू आई स्क्वायर। आगे देखिए, ये सिक्स नाइन आई में से फोर आई जाएगा तो हो जाएगा प्लस फाइव आई, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे माइनस है तो हो जाएगा प्लस सिक्स, अपॉन में ये हो जाएगा टू, देखिए फोर आई में से आई जाएगा तो हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस थ्री आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे माइनस है तो हो जाएगा प्लस टू। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो सिक्स सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा, प्लस फाइव आई अपॉन में टू टू जब फोर प्लस थ्री आई। तो अभी भी दोस्तों देखिए, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, नीचे में आयोटा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा ट्वेल्व प्लस फाइव आई अपॉन में फोर प्लस थ्री आई, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री आई अपॉन में फोर माइनस थ्री आई। ओके, डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, तो मल्टीप्लाई ट्वेल्व से दोनों को मल्टीप्लाई किया, ट्वेल्व फोर या फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व थ्री या थर्टी सिक्स, और आई प्लस फाइव आई से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ट्वेंटी आई, और ये हो जाएगा माइनस फाइव थ्री या फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर। आगे देखिए, अपॉन में ये ए प्लस बी टू आई माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि थ्री आई का होल स्क्वायर। देखिए, फोर्टी एट ट्वेंटी में से थर्टी सिक्स जाएगा, ट्वेंटी आई में से थर्टी सिक्स आई जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ये सिक्सटीन आई, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे माइनस है तो हो जाएगा प्लस फिफ्टीन। आगे देखिए, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, ये माइनस थ्री आई का स्क्वायर हो जाएगा नाइन आई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, देखिए फोर्टी एट प्लस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटीन आई अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को सिक्सटीन, आई स्क्वायर का वैल्यू था माइनस वन, पीछे माइनस है तो हो जाएगा प्लस नाइन। तो देखिए फाइनल इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटीन आई अपॉन में, ये अपॉन में हो जाएगा हम लोगों को सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव। अब दोस्तों देखिए, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि नीचे में तो यहाँ पे नीचे में तो यहाँ पे आई का टर्म है नहीं, यहाँ पे इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्सटी थ्री अपॉन में ट्वेंटी फाइव ये माइनस सिक्सटीन आई अपॉन में ट्वेंटी फाइव। ओके, तो देखिए ये प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका कैसे, ये देखिए रियल पार्ट है, यहाँ इसको हम प्लस ऑफ माइनस करके भी ले सकते हैं, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम लोग मिलकर समझ लो ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था 63 अपॉन 25 माइनस 16 आई अपॉन में 25। दोस्तों देखिए, ए प्लस आई बी फॉर्म आ चुका है, इसको लेट कर लीजिए कि लेट जेड इक्वल टू 63 अपॉन में 25 माइनस 16 आई अपॉन में 25। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ चुका है, हम लोग निकालना है कॉन्जुगेट्स निकालना। दोस्तों देखिए, कभी भी हम लोग कॉन्जुगेट्स निकालना रहेगा तो ध्यान रखिए, जैसे हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए हुए हैं जेड, इसे कॉन्जुगेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, जेड और ये हो गया बार। इसका मतलब क्या होता है कि जो आयोटा के पीछे का साइन है उसको हम साइन चेंज कर देंगे, बस वही इसका कंजुगेट्स हो जाएगा। तो रियल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 63 अपॉन में 25 यह आप देखिए, आयोटा के पीछे साइन क्या है, माइनस है, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा 16 आई अपॉन में 25। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें जाने कि कैसे हम लोग इसका कंजुगेट्स निकाल सकते हैं यदि ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें क्या करेंगे,
कंजुगेट्स निकालने के लिए जो आयटा के पीछे का साइन रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग का इवेल्युएट 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 6। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये तो पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब पता है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल 6 नहीं पता है फॉर्मूला इसका। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इस पार्ट को पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे था, फर्स्ट पार्ट क्या था, 1 प्लस आई का पावर 6। तो दोस्तों देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और इसका पावर 3। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर mn, यानी कि पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है ना। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पावर 6। यहाँ भी तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i हो जाएगा और इसका क्यूब। आगे देखिए, ये 1 प्लस ये आई स्क्वायर और ये प्लस 2i इसका क्यूब। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1। तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1, पीछे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये 2i का क्यूब। आगे देखिए, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i का क्यूब। अब 2i का क्यूब करें, 2 का क्यूब करें तो 8, और ये i का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा i क्यूब। 8 इंटू, दोस्तों जानते हैं हम लोग कि IQ का वैल्यू कितना होता है, लिख लीजिए IQ का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1। 8 इंटू माइनस 1, सॉरी IQ का वैल्यू दोस्तों माइनस 1 नहीं, सॉरी माइनस आई होता है, ये हो जाएगा माइनस आई। क्योंकि हम लोग IQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IQ को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 इंटू आई, ये माइनस आई हो गई, ये हो जाएगा माइनस 8i। तो सर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, माइनस 8i आ गया। ओके, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या था, 1 माइनस आई का होल क्यूब। ओके, ये तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू आई 3i इंटू a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस आई। आगे देखिए, ये 1 का क्यूब 1 माइनस, ये हो गया आई क्यूब माइनस 3i से मल्टीप्लाई की, तो माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 3i, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। आगे देखिए, ये 1, दोस्तों देखिए आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आई, पीछे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3i, और ये हो जाएगा देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, पीछे प्लस था, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3। आगे देखिए, तो 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, और i में से 3 आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2i। तो देखिए ये सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था हम लोगों को, ये 1 प्लस आई का पावर 6 प्लस 1 माइनस आई का पावर 3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे नाउ, ये था 1 प्लस आई टू द पावर 6, ये प्लस ये 1 माइनस आई टू द पावर 3। ये था फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर कितना है, देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आया माइनस 8i, ये हो जाएगा माइनस 8i प्लस सेकेंड पार्ट का आंसर है यहाँ पे माइनस 2 माइनस 2i। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा 8i प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर कोई चेंजिंग नहीं होगा साइन में, तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2i, ये माइनस है यहाँ पे। तो देखिए ये माइनस 2 माइनस 8i माइनस 2i, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 2 माइनस 10i दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आपको पसंद आए तो आप उसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।